बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी यानी जो है कि वापडा की जॉब्स के लिए अप्लाई करने का जो है सिंपल सा तरीका है जो है कि आप जो है पे स्केल 9 से लेके जो है 16 तक के असाइनमेंट के लिए जो है कि ऑनलाइन अप्लाई है। तो आज की इस वीडियो जो है मैं आपको मुकम्मल तरीका बता दूंगा कि आपने किस तरह जो है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे ऊपर वाला जो है बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, क्लिक है, यानी जो है कि इसमें जो है कि आपने अपनी पेमेंट पे करनी है। इसके ज़रिए जो है कि आपने अपनी पेमेंट पे कर देनी है। ऊपर आपको जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आप जायज़ कैश या एटीएम या जो है कि बैंक के ज़रिए आप जो है कि इसे जो है कि पे कर सकते हैं। नंबर दो पे जो है कि एडवर्टाइजमेंट जो है कि अगर आपने जो है कि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड नहीं किया तो आपने अपना एडवर्टाइजमेंट जो है कि डाउनलोड कर लेना और उसमें देख लेना है आप किस असामी के लिए जो है कि एलिजिबल हैं। नंबर जो है कि तीन पे जो है कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का जो है कि तरीका बताऊँगा। तो आपने जो है कि इस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप जो है कि डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है कि आपने साइनअप कर लेना है। साइनअप करने जो से पहले जो है कि आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि जो है कि आपने पासवर्ड कम से कम जो है 6 हिस्सों का रखना है, इससे कम नहीं हो सकता। आप जो है कि लंबा इससे ज़्यादा जो है बड़ा रख सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपने यहाँ पे साइन अप कर देना है। साइन अप में जो है कि आपने सबसे पहले CNIC नंबर और उसके बाद जो है कंफर्म CNIC नंबर और जो है कि उसके बाद आपने कौन सी पोस्ट जो है कि सिलेक्ट करनी है। ये सब करने के बाद जो है कि ये सिंपल सा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। उसके बाद आपने लॉगिन की तरफ आ जाना है। तो लॉगिन में जो है कि आपने जो भी अपने असामी जो है सिलेक्ट की हुई होगी उसमें जो है कि आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर जो है कि इंटर करना है। यहाँ पर क्लिक जो है कि आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है कि आपने वो पासवर्ड जो इस इधर दिया हुआ है वही पासवर्ड जो है कि आपने इधर भी दे देना है। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपसे इंस्ट्रक्शंस पूछा गया, इसे जो है कि रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना खास जो है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो है डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देना बॉक्स और कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना। यहाँ से आपको कोई जो है वेरिफिकेशन पूछेगा तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके जो है सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि ओपन हो चुका है। इफ़ यू एज अकाउंटिंग जो है कि प्रोसीजर, यहाँ पे जो है कि आपने यस पे क्लिक कर देना, दोनों बॉक्स की जो है कि यस वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है कि डिसाइड सिटी, जो है कि आपने कौन सा जो है कि सिटी सेलेक्ट करना है जिसमें जो है कि आप टेस्ट देना चाहते हैं, वो जो है कि आपने सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका हो। उसके बाद जो है कि जैसे कोई आइए पोस्ट वाला जो है ऑप्शन आपने पहले ही सेलेक्ट कर लेना है चूँकि। उसके बाद जो है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद सबसे पहले नंबर में जो है कि अपना नाम लिखना है, सेकंड नंबर में जो है कि बॉक्स में फादर नाम और थर्ड में जो है कि CNIC नंबर, ठीक है, वो CNIC पहले जो है कि सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो है कि आपने जो है कि मेल, अगर आप मेल हैं तो मेल में, अगर फीमेल हैं तो फीमेल पे जो है ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिलीजन में जो अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम पे क्लिक करना है, अगर गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम पे जो है क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ में जो है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर लेनी है अच्छे से, जो आपकी है वही जो है आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नंबर बॉक्स में जो है कि इस बॉक्स में जो है आपने अपना ई मेल एड्रेस जो है कि सही वाला ई मेल एड्रेस लिखना है, क्योंकि आपको मेल के जरिए भी बताया जाएगा कि आप टेस्ट कब है, ठीक है। उसके बाद जो है कि प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपने जो है प्रोविंस आपने जो है सेलेक्ट करना है कौन सा है, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान, कोई भी एनीथिंग, तो आपने वो जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट जो है कि आपका डोमिसाइल किस जिले का है, यानी किस सिटी का है, लाहौर का है, कसूर का है, पंजाब, यानी किसी भी जो है कि जो भी है आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्टल सिटी, आपने जो है कि अपना एड्रेस लिख देना है जहाँ पे आप रहते हैं, यानी जो है कि पोस्टल एड्रेस। उसके बाद जो है कि पोस्टल एड्रेस सेकंड नंबर पे जो है कि आपने वो लिखना है, ये सिटी का है यानी परमानेंट। आपने पिछले जो है अगर आपके आईडी कार्ड पर दो एड्रेस हैं तो आपने दोनों यहाँ पर लिखना है, एक ऊपर लिख देना है एक नीचे लिखना है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर वो लिखना है जो किसी नंबर पर कन्वर्ट ना हो, यानी जो है आपका जैज का नंबर है और जोन पर कन्वर्ट हुआ हुआ है तो वो आपने हरगिज़ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद जो है फोन, यानी आपको दूसरा नंबर जो है लिख दें, एक और नंबर। उसके बाद जो है फोन ऑफिस है, अगर ऑफिस का नंबर जो है कि आपके पास है तो वो आप जो है कि वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आर यू डिसेबल, अगर आप जो है कि डिसेबल हैं यानी जो है कि माजून है तो आपने ऑप्शन क्लिक करना है, अगर आप जो है कि डिसेबल नहीं है तो आपने नो का ऑप्शन जो है कि क्लिक कर देना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है कि आपने नो का ऑप्शन जो क्लिक करना है अगर डिसेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि ये आपने तस्वीर जो है कि अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़ आप अपने मोबाइल से जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको ये मोबाइल में ही दिखा रहा हूँ। तो आपने एक तस्वीर जो है कि खींचनी है, उसे जो है क्रॉप करना है और जो है कि पासवर्ड साइज तस्वीर यहाँ पे जो है कि अपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक हम जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। उसके बाद जो है कि आपने अकेडमिक जो है कि यानी आपकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ से पूछी जा रही है कि डिग्री का नेम क्या है, मेजर सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद जो है कि
आपने कौन से साल में पास किया है, टोटल नंबर कितने थे और आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, कौन से बोर्ड से किया है, यानी लाहौर बोर्ड से किया है, सरगोधा बोर्ड से किया है, यानी किसी भी बोर्ड से किया है, तो आपने जो है कि इसे इंटर कर देना है। ठीक है, आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन है, FA BA या MA जो भी है, ठीक है, उसके बाद जो है कि आपसे पूछ रहा है कि आपने किसी इदारे में काम किया है, डेजिग्नेशन क्या था आपका। अगर आपने जो है कि किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी इदारे में जो है कि जैसे भी जो है कि आपने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, नेम ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है, उसके बाद जो है कि आपने कब ये ज्वाइन की थी और कब इसे छोड़ा था, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में जो है कि आपने जो है कि एक्सपीरियंस वगैरह जो है कि आपने देख लेना है, जो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने जो है कि यहाँ पे यस, पहले दो ऑप्शन पे जो है कि आपने नो का क्लिक करना है और तीसरे नंबर पे जो है कि इसे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है कि ये पूछ रहा है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके माँ बाप जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वापडा में है या किसी भी जो है कि इदारे में है, उनके लिए है ये, ठीक है। लास्ट में जो है कि स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, फादर मदर, मदर माँ बाप का जो है कि ये भी आपने छोड़ देना है, देखें या यहाँ पर जो है कि इसे भी आपने लास्ट में जो है कि आपने ऑप्शन पे सबमिट पे जो है कि क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपकी एप्लीकेशन जो है कि सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आज मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।